दोस्तों आज की सच्ची घटना की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए जब आप इस सच्ची घटना की कहानी सुनेंगे तो ये कहानी कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमने वाली है। और आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे 10 रुपये के नोट ने इस डबल मर्डर कांड की गुत्थी को सुलझा दिया और हमें बता दिया कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं और आपको ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली के पालम विहार इलाके से। दिल्ली के पालम विहार इलाके में एयरफोर्स के अकाउंटेंट अफसर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और 27 साल के बेटे के साथ बड़ी खुशी से रहते थे और उनका परिवार बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन रघुवीर सिंह को नहीं पता था कि उनकी यह खुशियां मातम में बदलने वाली हैं, उनके साथ आगे इतना भयानक होने वाला है। दरअसल एक शाम लगभग 7 बजे के आसपास रघुवीर सिंह रोज़ की तरह अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके घर लौटते हैं और जैसे ही अपने घर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें सामने अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और गेट पूरी तरह से खुला पड़ा था और आसपास कोई भी नहीं था। अब यह सब देखकर रघुवीर सिंह को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि रोज़ाना घर आकर उन्हें बाहर खड़े होकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ती थी, जिसके बाद उनकी पत्नी या बेटा दरवाज़ा खोलते थे। लेकिन उस दिन घर का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उन्हें लगा शायद दरवाज़ा किसी ने खुला छोड़ दिया होगा। इसके बाद वो सीधे घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही रघुवीर सिंह घर में प्रवेश करते हैं तो वो सामने देखते हैं कि घर का सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। इसके बाद वह सीधा भागकर अपने कमरे में जाते हैं और जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो सामने का मंजर देखकर रघुवीर सिंह की रूह कांप जाती है। दरअसल रघुवीर सिंह के सामने देखते ही कि कमरे में उनकी पत्नी का शव पड़ा था जो खून से लथपथ था, और यह देखकर रघुवीर सिंह सिहार जाते हैं और ज़ोर से अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए उसके कमरे की तरफ भागते हैं। जब रघुवीर सिंह अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो उनके सामने वैसा ही मंजर था, यानी उनके 27 साल के जवान बेटे की खून से लथपथ लाश उनके सामने पड़ी थी। और यह देखकर रघुवीर सिंह की चीख निकल जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी भी भागकर रघुवीर सिंह के घर आ जाते हैं और सामने का मंजर देखकर वह घबरा जाते हैं कि एयरफोर्स अकाउंटेंट रघुवीर सिंह की पत्नी और बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बाद तुरंत ही पड़ोस का एक शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। अब उस घर के आसपास काफ़ी भीड़ हो चुकी थी तो पुलिस तुरंत माँ बेटे की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। इसके बाद पुलिस तुरंत ही जांच में जुट जाती है और जब सामान बिखरा पड़ा था जुट जाती है और जब पुलिस जांच कर रही थी तो पुलिस देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और घर की अलमारी और कमरों में भी सामान का उथल पुथल किया गया था, जिस कारण पुलिस को लगा कि मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन सच्चाई सबके सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद यह खबर तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचती है और सभी आते हैं और माँ बेटे का बड़े ही नम आंखों से अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इधर पुलिस की जांच पड़ताल जारी थी और अभी पुलिस के सामने एक बड़ी ही अजीब चीज़ आती है कि उस घर में CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन उन कैमरों की रिकॉर्डिंग DVR यानी कि किसी ने उस कैमरे की DVR को जिसमें रिकॉर्डिंग होती है उसे घायल कर दिया था। और अब यह बात पुलिस को खटक जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो भी यहाँ आया था उसे सब पता था कि घर में कैमरे लगे हुए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। इसके बाद पुलिस जांच की गहराई में जाती है और रघुवीर सिंह का रिकॉर्ड खंगालती है कि कहीं रघुवीर सिंह की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जाँच पड़ताल में पुलिस के सामने ऐसा कोई नाम नहीं आता, क्योंकि रघुवीर सिंह एक सीधे साधे परिवार से थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस रघुवीर सिंह के 27 साल के बेटे का रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि रघुवीर सिंह का बेटा कोई प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 2020 लॉकडाउन में उसकी जॉब चली जाती है और वह तब से बेरोजगार था और घर पर ही अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। लेकिन रघुवीर के बेटे की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी,
तो दोस्तों अब पुलिस के सामने एक ऐसा डबल मर्डर केस था जिसका ना तो कोई सबूत था और ना ही किसी पर शक और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। इसके बाद समय बीतता है और पुलिस बीच बीच में इनके घर आती है और रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके बाद अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक हिम्मत करता है और पुलिस पर दबाव बनाता है कि आप सही से इसकी जांच नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों अभिषेक रघुवीर सिंह की बहन का बेटा था जिसकी रघुवीर सिंह के बेटे से खूब बनती थी, जो पिछले कुछ दिनों से इस दुख की घड़ी में रघुवीर सिंह का साथ दे रहा था और हर वक्त इनके साथ ही था। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि इस केस की नई सिरे से जांच करनी चाहिए और अब पुलिस ने घर के दूर तक लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी और तभी पुलिस को एक खबर मिलती है। दरअसल उसी मोहल्ले में रह रहे घर के मालिक ने पुलिस को एक 4 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो दिखाए जिसमें एक शख्स मुंह पर गमछा बांधे और हाथ में DBR जैसी कोई चीज़ लेकर जा रहा था और अब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है यही कातिल हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था जिस कारण पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस ने एक बात पर गौर किया कि यह शख्स पैदल ही जा रहा था, इसके पास कोई वाहन नहीं था, तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो इसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है और ये किसी ऑटो टैक्सी या बस किसी बैटरी रिक्शा से आया है। अब पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाती है उस कातिल की तलाश में जिसने पता नहीं किस वजह से 2 मासूमों की जान ले ली। पुलिस वहां आसपास की सभी रिक्शा और ऑटो वालों से पूछताछ करती है और वो वीडियो क्लिप दिखाती है, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था और ना ही उन्होंने इसे देखा था। लेकिन तभी एक रिक्शा वाला सामने आता है जो कहता है कि मंगलवार को इस होलिया में अपने चेहरे पर गमछा बांधे एक लड़का उसके रिक्शे में बैठा था। अब इतना सुनते ही पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है और आगे वह रिक्शा वाला बताता है कि वह लड़का मुझे याद इसलिए रहा क्योंकि उसके कपड़ों और हाथ पर खून के छींटे पड़े थे और वह काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन अब पुलिस को लगा कि इतनी जानकारी से तो इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है, यानी कि पुलिस को अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिली थी। लेकिन आगे उस रिक्शा वाले ने वह अजीब बात कही जिसने उस पूरे केस को ही बदल दिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ा तो उसने मुझे 30 रुपये दिए, 1 20 रुपये का नोट और 1 10 रुपये का नोट, लेकिन वह 10 रुपये का नोट इत्तेफाक से फटा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि यह 10 रुपये का नोट नहीं चलेगा, इसे बदल दीजिए, लेकिन उसके पास 500 रुपये का नोट था तो मैंने वो लेने से मना कर दिया। इससे उसने मुझसे पेटीएम नंबर मांगा और कहा कि आपको 10 रुपये पेटीएम कर देता हूँ और उसने मुझे 10 रुपये पेटीएम कर दिए। और दोस्तों रिक्शे वाले की बात सुनते ही पुलिस वालों की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत ही उस रिक्शे वाले का फ़ोन लेते हैं और उसमें से नंबर निकालते हैं जिससे मंगलवार को उस लड़के ने पैसे पेटीएम किए थे। इसके बाद जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वह नंबर था रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई के लड़के अभिषेक का, जो मॉडल होने के बाद से रघुवीर सिंह के साथ था, जिसने दोनों माँ बेटों का अंतिम संस्कार करने में अपने हाथों से करवाया और वह अस्पताल में भी डेड बॉडी के साथ था और पुलिस बार बार दबाव बना रहा था कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन नज़र के सामने रहते हुए भी अभिषेक पुलिस को चकमा देता रहा और आखिर एक फटे हुए 10 रुपये के कारण उसे पेटीएम करना पड़ा, जिसकी वजह से वह पकड़ में आ गया था और उसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब लोगों के मन में अभी भी यह चल रहा था कि आखिर क्यों अभिषेक ने उन मासूम माँ बेटों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद पुलिस जब अभिषेक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपये लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी जॉब चली गई और उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद एक दिन वह रघुवीर सिंह के घर गया जहां उसने अपनी कजिन भाई के साथ खाना खाया और मूवी भी देखी, लेकिन उसकी बुआ ने उसे टोका और 50,000 रुपये के लिए बोला। तो अभिषेक को लगा कि पैसे नहीं होने के बावजूद भी बार बार मुझे टोका जा रहा था, जिसे उसे बहुत बुरा लगता था। रघुवीर सिंह की पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया। इसके बाद दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अभिषेक ने घर में पड़े कसरत वाले डंबल से दोनों माँ बेटे को मार दिया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने के साथ उसने घर का सामान उथल पुथल कर दिया, जिससे लगे कि मामला लूटपाट का है।
लेकिन दोस्तों अगर उस दिन वो 10 रुपये का नोट वह रिक्शा वाला ले लेता तो शायद वह पेटीएम ट्रांजेक्शन नहीं करता और पुलिस को पकड़ने में बहुत समय लग जाता। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा जाता है। तो दोस्तों इस मामले के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और बताएं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। धन्यवाद।